हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू सीटा गेनर्स अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कवर्ड कॉल की, कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कवर्ड कॉल के क्या क्या फ़ायदे हैं, ऊपर जाने पे क्या करना है, नीचे जाने पे क्या करते हैं। मैं सारा कुछ आज कवर्ड कॉल के बारे में बताने वाला हूँ। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए यूज़ की जाती है, इन्वेस्टर्स उसको यूज़ करते हैं अपना डिविडेंड इनकम बढ़ाने के लिए, या फिर मंथली थोड़ा 0.5 या 1% एक्स्ट्रा कमाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो बेसिकली ये है, ठीक है? तो प्लीज़ अंत तक देखना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल बनाएगा आपको अपने ट्रेडिंग के उसमें, क्योंकि बहुत शांत होता है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है इसमें, लेकिन आपको कुछ करना नहीं पड़ता। एक सिंपल थॉट होता है इसके पीछे, ठीक है? तो मैं पूरा समझाऊंगा, प्लीज़ ध्यान देना और ध्यान से देखना, ठीक है गाइज? और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज, वो लोग प्लीज़ थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग ऑप्शन सेलिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग ऑप्शन सेलिंग का मास्टर क्लास दे सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन पे, ठीक है गाइज? तो चलो पहले हम देखते हैं कि कवर्ड कॉल होता क्या है सबसे पहले, ठीक है? कवर्ड कॉल में बेसिकली सबसे पहले होना क्या चाहिए ना, आपके पास डीमैट में कोई स्टॉक की होल्डिंग होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो डीमैट में किसी स्टॉक की होल्डिंग होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलो मैं आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फॉर रिलायंस, कि अपने पास रिलायंस है, ठीक है? और अभी मैंने ले लिया कि 2000 का उसका प्राइस है, ठीक है? 2000 का प्राइस है और मैंने वन लॉट खरीदा है, मेरे पास डीमैट में पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कवर्ड कॉल करके मंथली में इससे कुछ इनकम कमाऊँ, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, प्राइस जो भी चल रहा है इससे 10% ऊपर का, मैं बेसिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ 10% ऊपर का, वरना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 10% ऊपर मतलब 2200 रुपये का जो कॉल है वो महीने की स्टार्टिंग में, या फिर जब भी आपका मर्जी हो, जब आपने स्टॉक लिया उसके बाद, जब भी अच्छे प्रीमियम पे, डेफिनेटली जो मैं बोलना चाहता हूँ, अच्छे प्रीमियम पे, मतलब मंथ ने स्टार्ट के इस महीने की 20-25 तारीख को अगले महीने का जो आपने कवर्ड कॉल बेचा, लाइक दैट, ओके? ये मैंने सेल कर दिया, ठीक है? इसका प्राइस मुझे मिला 10 रुपये, यही कुछ रहता है प्राइस, ठीक है? 10, 15, 20 ऐसा ही रहता है, ठीक है? तो ये मुझे मिला और ये मैंने सेल मार दिया, कितना, वन लॉट, ऑफ कोर्स वन लॉट ही है हमारे पास, ठीक है? अब बात इतनी सी आती है कि पहला सिनेरियो लेते हैं, मार्केट गया ऊपर को, ठीक है? मार्केट अगर ऊपर को गया और मार्केट मान लो 2100 तक पहुंच गया, 2100 पे क्या होगा आपको, इस 2000 पे प्लस 100 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? ये भी 10-0 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको 110 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। दूसरा सिनेरियो, मार्केट 2200 पे गया और वहां पे क्लोज हुआ है एक्सपायरी के टाइम पे, ठीक है? तो आपको क्या मिला, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले आपके स्टॉक की होल्डिंग पे, क्योंकि मार्केट 2200 पहुंच गया है, प्लस 10 रुपये मिले आपका जो कॉल सेल था, टोटल मिले 210। अब आते हैं अगले पे, मार्केट इसको क्रॉस कर गया और मार्केट ने 2250 पे क्लोजिंग कर दी, तो अब क्या होगा, 2250 पे क्लोजिंग करने पे क्या होगा, आपको स्टॉक में कितना एप्रिसिएशन मिला, 250 पॉइंट्स। आपके इसमें लॉस कितना हुआ, 40 पॉइंट। आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना है टोटल, ओके? अब एज दिस इज अ कॉल, ये कॉल है एक जो आपका 40 रुपये हो गया, ठीक है? तो अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, आपको तो लॉस हो गया है। तो पहली चीज़ आप सबको मालूम होगी, कॉल साइड के एडजस्टमेंट इतने कोई खतरनाक नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, इस 40 को अभी मैं अगस्त मान रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तो अगस्त का बेचा होगा आपने, आपको सितंबर सीरीज में जाना है और 40 रुपये की प्रीमियम वाला जो 200 पॉइंट दूर के आसपास कहीं हो उसको वापस से सेल कर दो, वापस से सेल कर दो, ठीक है? मे बी वो 40 का ना मिल रहा हो, आपको 20-25 का मिल रहा हो, क्योंकि आपको यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ है, आपने 240 रुपीज कमाए ही हैं। तो आपको करना क्या है, प्राइस जहाँ पे भी पहुँच गया है 2250, वहाँ से फिर से ऊपर का 2450 का कॉल बेच दो। बात समझ में आ रही है, फिर से ऊपर का 2450 का कॉल बेच दो, गॉट इट, वन लॉट। तो अभी भी आप 210 रुपये प्रॉफिट में हो अपने स्टॉक की होल्डिंग में, आपने वापस से 2450 का कॉल बेच दिया, फिर से इसका प्राइस 15-20 रुपये होगा, आप 210 की प्रॉफिट में। मार्केट अगर मान लो वापस से ऊपर तक गया तो आपको फिर से प्रॉफिट होगा। तो मतलब आप अल्टीमेटली मैं बोलना चाहता हूँ, अप साइड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अप साइड में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम उल्टी साइड, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अप साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, अप साइड में हमेशा आपका स्टॉक का होल्डिंग आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिलाएगा, ठीक है? अब आई बात कि
कि ये रहा 2000 का आपका स्टॉक का प्राइस जो आपने बाई किया है, ठीक है, ये रहा रिलायंस, ठीक है। अब ये हुआ कि आपने मार्केट ये गया, ये यहाँ पे 2200 रुपये का जो कॉल था आपने सेल किया है, कितना, माई 10 रुपीज़ पे बेसिकली, ठीक है, सेल किया है आपने 10 रुपये पे। मार्केट क्या हुआ, वो यहाँ से गिर गया, कितना कितना 100 पॉइंट इस जगह से गिर गया, तो आपको यहाँ लॉस कितना होता है 100 का, आपको प्रॉफिट कितना होगा कॉल से 10 रुपये का, तो आपका 90 रुपये का लॉस है। आपको इसमें एक चीज़ क्या समझ में आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, कवर्ड कॉल कौन करता है, कवर्ड कॉल वो कर रहा होता है जिसके पास इसको खरीदने के और पैसे पड़े होते हैं, पहली बात, ठीक है, और पैसे पड़े होते हैं इसको खरीदने के। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट नीचे आती है ना, तो आप कर कह सकते हो, आप रिलायंस पे सपोर्ट लगा के रखो कि कहाँ कहाँ आपको बाई करना है स्टॉक को, पहली बात, ठीक है, कहाँ कहाँ आपको बाई करना है स्टॉक को, पहली बात। दूसरा, लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर की कमाई होती है, ऊपर वाली, ये जो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये जो भी मिलते हैं, वो करते क्या है, इसको इन्वेस्ट करते जाते हैं। मतलब समझ में आया, ये कवर्ड कॉल, ये कवर्ड कॉल और ये कवर्ड कॉल, तीनों के जो भी पैसे मिले उसको वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं धीरे धीरे करके। उससे क्या होता है, उनका जो 2000 का एवरेज प्राइस है वो घट के 1900 पे लाने का ट्राई करते हैं वो। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो कवर्ड कॉल में आपको पहली बात, जब भी आप ये कर रहे होते हो, आपको स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने रिलायंस लिया, लोग SBI पे करते हैं, ICICI बैंक पे करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से मान लो अच्छे स्टॉक्स जो आपको लगते हों कि बहुत अच्छे हैं, लोग एयरटेल पे करते हैं, भारतीय एयरटेल पे, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब आप विलिंग टू बाई दैट स्टॉक इन लोअर प्राइसेस ऑलवेज, क्योंकि मार्केट के गिरने का कोई वो नहीं होता, मार्केट कब गिर जाए, ठीक है। बट आपको करना क्या है, जब मार्केट नीचे आए यू नीड टू बाई इट। और नीचे कैसे बाई इट, मतलब क्या, ऐसा नहीं ना कि 100 पॉइंट पे ही बाई इट, यू हैव टू डिसाइड द स्पॉट्स ऑल्सो। जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो निफ्टी अभी कहाँ पे, अच्छा स्टॉक का आई मीन सपोर्ट कहाँ पे, 11000 पे, ठीक है। अगला सपोर्ट कहाँ पे, मुझे मालूम है, ठीक है, ये अच्छे सपोर्ट्स हैं। वैसे ही हर स्टॉक का भी एक अच्छा सपोर्ट होता है, जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया हो अच्छा, उसके बाद ऊपर नीचे गया हो, तो वो जगह आपको डिसाइड करके रखनी है, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे बचा के रखने हैं हमेशा। और जो ऊपर के कॉल सेल से, ऊपर के कॉल सेल से जो एक्स्ट्रा पैसे आए, उसको आपको इसमें इन्वेस्ट करते जाना है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपने स्टॉक खरीदा है 2000 रुपीज़ पे, उसका एवरेज प्राइस जितना हो सके गिराते चले जाना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गिर रहा है, आपके स्टॉक का जो 2000 का प्राइस है रिलायंस का, वो अगर गिर रहा है, दैट मीन्स आपको कॉल में हर बार प्रॉफिट हो रहा होगा, कॉल में हर बार आपके वो 10-15 रुपये जो हैं हर बार मिल रहे होंगे, तो वो हर बार 10-15 रुपये आपको लौट के उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है, लौट के उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाना है। मतलब आपको हर बार वो कॉल बेचना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करो, फिर से करो, फिर कुछ नहीं हुआ स्टॉक में इन्वेस्ट करो, फिर से करो, जितनी बार मार्केट गिरेगा तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा ऑफकोर्स, और वो आपको वापस से एवरेज डाउन करना है अपने स्टॉक को, सिंपली, ठीक है, इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, सिंपली एवरेज डाउन करना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, कैसे, उन्होंने क्या किया, रिलायंस बाई किया 2000 पे, ऊपर से बेचा 2200 का कॉल, नीचे से बेचा 1800 का पुट। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में रहा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, मार्केट ऊपर गया तो आपके स्टॉक का एप्रिसिएशन ऊपर गया, डबल फायदा। मार्केट अगर नीचे को गया तो आपका ये मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे घटा, ये जो घटा, आप कहाँ तक इसको, इस पी जीरो होने तक, मतलब 1800 तक आ जाएगा तब तक भी पी जीरो हो सकता है ना, तो आप क्या करते हो, इस पी में अगर लॉस होता है तब आप इसको बाई कर लेते हो। तो जैसे हम सिक्योर्ड पुट भी इसी को बोलते हैं। तो मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ, लोग कभी कभी कवर्ड कॉल एंड सिक्योर्ड पुट दोनों साथ में यूज करने का ट्राई करते हैं, डबल द क्वांटिटी, मतलब करते डबल द क्वांटिटी, मतलब दोनों साइड से कवर करने का ट्राई करते हैं। कवर तो ले ही रहे हैं, ऊपर गया तो अच्छी बात है, नीचे गया तो क्या करेंगे हम, पुट भी थोड़ा सेल करके रखते हैं कि एक्स्ट्रा 1800 तक मान लो नहीं गया गिर के, 1900 तक या 1850 तक गया, तो हमें पुट से भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, कॉल से तो हो ही रहा है, फिर इन दोनों को इन्वेस्ट कर देंगे स्टॉक में।
ठीक है, तो लोग ये भी करते हैं, ठीक है, बट ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर, और हाँ कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। देखो स्टॉक ऑप्शन सेलिंग में कई सारे रूल हैं, STT, ठीक है, एक्सपायरी के दिन तक रुक गए, इन द मनी में गया तो आपको फिजिकल में डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ठीक है, और ब्रोकर आपके अकाउंट से वो कट करके भी वो आप ले सकता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो कट करके ले सकता है, वरना पेनल्टी चार्जेस अलग, ठीक है। तो स्टॉक को एक्सपायरी के दिन के पहले जो करना है करो, और कभी कभी तो एक्सपायरी के 3-4 दिन पहले करो, ठीक है, क्योंकि आपने अगर देखा ना हो तो मैं बता देता हूँ, जब आप स्टॉक का ऑप्शन बेच रहे होते हो तो एक चीज़ लिख के आती है, स्टॉक इज फॉर फिजिकल डिलीवरी ओनली, फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट ओनली लिख के आता है, और कभी कभी होता भी नहीं है, अटक जाता है, आपने जो सेल करके रखा होता है ऑप्शन वो बाई नहीं हो रहा होता है, तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो जब भी स्टॉक में ये ऑप्शन सेलिंग का नाटक कर रहे हो आप, तो प्लीज़ गाइज ये देखो कि वो स्टॉक अच्छा है, लिक्विड है, उसमें लोग हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तो बात समझ में आई। कवर्ड कॉल का एक बेसिक फंडा है कि आपने जो भी स्टॉक लिया है वो स्टॉक पे आपको आंख बंद करके भरोसा है कि आप उसमें 10 साल तक भी पैसे लगाने पड़े तो आप लगाओगे। समझ में आ रही है बात को? मतलब जो भरोसेमंद स्टॉक हो, भरोसेमंद, जिसमें आपको लगता हो कि ये कंपनी कुछ करेगी आगे चल के, उसी में करो। कि आपने अगर 200 रुपये पे बाई किया है SBI को, और SBI का कवर्ड कॉल आप 240-250 रुपये का हर बार बेचते हो, हर बार, और वो गिर जाता है, आपको मान लो ऊपर जाता है तो कोई बात ही नहीं, प्रॉफिट हो रहा है। मैं सिनेरियो बता चुका हूँ, ऊपर जाने का स्टॉक का सिनेरियो अलग ही है, उसमें आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है, आप जो यहाँ पे लॉस हो रहा होगा उसको आप शिफ्ट अप करके नेक्स्ट मंथ में वापस से प्रॉफिट कमा सकते हो। बट जब मार्केट नीचे जा रहा होगा ना, तब सिर्फ इसका प्रॉफिट मिलेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो इस बहुत ज़्यादा लॉस में आपको अपने सपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे कि मुझे SBI बाई कहाँ करना है। जैसे मेरे लिए लास्ट सपोर्ट है 150 रुपीज़, बीच में है 173 या 175 के आसपास का, तो ये सपोर्ट्स है, ये मुझे यहाँ पे पैसे डिफाइन करने पड़ेंगे कि कितने मुझे लगाने हैं, ठीक है, कितने मुझे लगाने हैं, मैं डिफाइन करके रखूँगा कि यहाँ पे मुझे SBI का एक लॉट यहाँ लेना है, एक लॉट यहाँ लेना है, एक लॉट यहाँ पे है मेरे पास, तो टोटल 3 लॉट्स हो जाएंगे, फिर मैं 3 लॉट्स से कवर्ड कॉल करूँगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पैसे होने चाहिए आपके पास हमेशा, अगर आपको वो लगता है, ये पैसे ऊपर से जो कवर्ड कॉल के आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो पैसे, तो इस सब करने से आपका यह 200 रुपये का एवरेज डाउन बीच में कहीं आके 185 कहीं सेटल होगा, और फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा इस 185 के एवरेज पॉइंट से, क्योंकि आपके पास अब 3 लॉट्स हैं, ये सपोर्ट की बाइंग की बात, 3 लॉट्स हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा, आपको पर पॉइंट्स पे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, और कवर्ड कॉल में आप जानते हो अगर ऊपर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे गया तो आपके पास पैसे होने चाहिए उसको बाइंग करने के, सिंपल एज दैट, ठीक है, समझ में आया? एक बार जो लोग भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये इतना आसान नहीं है, और बेसिकली पैसे होने बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था, कैसे क्या कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। और जो लोग भी मुझे मतलब फॉलो करना चाहते हैं मेरी ट्रेड्स को, वीकली ऑप्शन सेलिंग में जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, या मंथली में जो भी मैं अभी ट्रेड मेरी चल रही है जो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे मिल जाएगी आराम से। तो प्लीज़ गाइस टेलीग्राम पे फॉलो करो मुझे, वहाँ पे आप थीटा गेनर सर्च करोगे, एक 16,000 लोगों का फॉलोअर वाला एक पेज, वो चैनल होगा, उसमें सर्च करो टेलीग्राम, आपको फराक से मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।